हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज है दुर्गाष्टमी, सबको दुर्गाष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जा रहे हैं कैसलबेरी हिंदू टेंपल पे। ये कैसलबेरी पे है, सेंट्रल फ्लोरिडा पे। अभी 4 बजे से हवन होने वाला है। अभी तो 4 बज गए हैं, 4 बजे से 8 बजे तक। तो मैंने आज प्योर वेजिटेरियन फूड लिया। इस बार का ना दुर्गा पूजा थोड़ा डिफरेंट है। और ये देखिए, मैंने ये सेट पहनी है, ये सरस्वती पूजा पे भी पहनी थी लास्ट ईयर। साथ में ये आप लोग तो बहुत बार देखे ही होंगे ये वाला। और हाथ पे ये, कान पे ये, ये पूरा सेट है। और मैं फॉर अ चेंज आज मिडिल पार्ट किया। मैं साइड पार्ट ही करती हूँ हमेशा, तो फॉर अ चेंज मैंने मिडिल पार्ट कर लिया इस बार। हस्बैंड गए हैं पब्लिक्स पे, मैंने लाल फल, नारियल और लाल फूल लेके आने के लिए मैंने बोला है, तो पब्लिक्स पे गए हैं। अभी पहुँच जाएंगे कैसलबेरी टेम्पल पे। इस बार हम लोग नहीं जा पाए बंगाली एसोसिएशन पे, इस वीकेंड पे ही था, फ्राइडे सैटरडे संडे, वो तो एक बिग स्टोरी है। मैं देखती हूँ, हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, थोड़ा बाहर देख के आप लोगों को बोलती हूँ। तो मैं सोची थी इस बार मेरा पूजा का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, पर फिर मैंने सोचा नहीं, इंसान के हाथ पे भी बहुत कुछ है। भगवान ने दिमाग तो दिया है, तो एक रास्ता बंद हो गया तो क्या है, दूसरा रास्ता चालू है ना। इस बार क्या हुआ, आयन के वजह से ना इतना तबाही मच गया। मेरे हस्बैंड के साथ काम करने के लिए इंडिया से जो लड़का लड़की आते हैं, फिर नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से नहीं आते हैं, इंडिया और नेपाल से ही आते हैं, और अमेरिका के डिफरेंट जगह से आते हैं, और भी विदेश से, जैसे जो वाइट स्किन लोग हैं, साउथ अमेरिका बोलो, फिर चाइना से बोलो, पर जो खाना होते हैं नेपाली, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, हम लोग एक टाइप का खाना ही खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के पास ना काम अपना करियर बनाने के लिए, हस्बैंड के ऑफिस पे हस्बैंड के साथ काम करने के लिए इंडिया और नेपाल से आए हैं, तो उन लोगों का ना बहुत कम उम्र है, जैसे 23 साल, 24, 25, किसी का 26, 27, ऐसे, मतलब मेरे लिए तो कम उम्र ही है ना। तो वो लोग आए हैं, और वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं 3-4 दिन से आयन बोलो जो हरिकेन आए थे अभी, पूरा उनका पावर कट, और यहाँ पे तो कुकिंग रेंज पावर से चलते हैं। और जो अभी इंडिया से यहाँ पे आए हैं, तो उनका सैलरी तो कम ही होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग तरक्की करेंगे तो सैलरी एक अच्छे जगह पे जाएंगे। तो हम लोग जितना सामान इकट्ठा कर सकते हैं आयन के प्रिकॉशन पे, उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, और रोज़ रेस्टोरेंट पे खाना भी पॉसिबल नहीं। और उस एरिया पे पूरा पावर आउटेज था, तो रेस्टोरेंट पे कैसे खा सकते हैं, जा तो सकते हैं पर खा कैसे सकते हैं, रेस्टोरेंट भी तो बंद है ना। तो देखो, इसी वीक पे ही पूजा, मतलब आज तो सोमवार है, पर लास्ट वीक का बात बोल रही हूँ, उस वीक पे ही पूजा, उस वीक पे ही ऐसे। तो मुझे बहुत 4-5 जनों का 2-3 दिन का खाना, इतना खाना बना के देना पड़ा, फिर घर का इतना पानी भर के रखना ड्राम पे, बाल्टी पे, हस्बैंड बाहर का गार्डन का देख रहे हैं, क्योंकि गार्डन खराब हुआ तो होम ओनर्स एसोसिएशन से चिट्ठी आ जाएगा हमारा, तो वो हम लोग इंसल्ट फील करते हैं, तो कभी चिट्ठी नहीं आए हैं हमारा, तो क्योंकि हम लोग बहुत टिप टॉप रखते हैं बाहर, तो बैकयार्ड का, बाहर का हस्बैंड गार्डन का देख रहे हैं, बाजार दुकान ये सब कर रहे हैं, तो मैं घर का संभल रही हूँ, फिर इतना खाना, पूरा रात जाग के इतना खाना बना के देके मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया। फ्राइडे तो मैंने बोला रहने दो, नहीं जाते हैं बंगाली एसोसिएशन पे, फिर सैटरडे मैंने बोला जाएंगे, और वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे पूजा था, वीकेंड पे ही अमेरिका पे पूजा होते हैं, तो $300 फैमिली का लगते हैं। जैसे मैं और हस्बैंड हूँ, अगर मेरी मम्मी, सास ये सब आ जाती तो भी $300 पर फैमिली, तो
फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर सैटरडे भी मैं उठ नहीं पाई सुबह सुबह, मेरा नींद खुलते खुलते दोपहर 2 बज गए, क्योंकि फ्राइडे को भी रात 4 बजे तक, मतलब सैटरडे सुबह 4 तक मैं खाना बनाती रही, बहुत सारा खाना देना पड़ रहा था। उन लोगों के पास फ्रिज भी नहीं कि मैं ज़्यादा करके फ्रोज़न खाना दे दूँ, वो गरम कर करके खाएंगे, गरम कैसे करेंगे। तो ऐसे देखे मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मैं जा नहीं पाई। फिर सैटरडे शाम को मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, मतलब तबीयत थोड़ा ठीक हुआ, हस्बैंड बोल रहे थे चलो, तो मैंने बोला 3 दिन का पूजा $300 इंडियन मनी पे 22,000 ऐसे होते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे तो बहुत दिन, 12 साल हो गया यूएसए पे, इंडियन मनी पे क्यों कन्वर्ट कर रही हो। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, जस्ट बोल रही हूँ कि 1.5 दिन का पूजा के लिए $300 नहीं देना है मुझे। फंक्शन मैं मिस कर गई, भोग खाना मिस कर गई, तो मैंने बोला चलो सैटरडे संडे वहाँ पे चले जाते हैं दुर्गा साई टेम्पल पे, मंडे को कैसलबरी पे चले जाते हैं। और जो पैसा उन्होंने ना चेक काट लिए थे, चेक लिख लिए थे $300 का, बांग्लादेशी एसोसिएशन पे बहुत सारा इंडियन जाते हैं, बांग्लादेशी का दिल भी बड़ा होते हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग फ्री से खिलाते हैं, थोड़ा कुछ बना के, चाटनी वटनी बना के या एकदम आलू बना के थोड़ा सा, बांग्लादेशी एसोसिएशन का दुर्गा पूजा पे चले गए और वहाँ पे फ्री पे खा भी लिया और पूजा भी एंजॉय कर लिया, ऐसे भी होते हैं। तो हम भी एक बार गए थे, इंडियन एसोसिएशन पे भी गए थे और बांग्लादेशी पे भी गए थे कि एम्बियंस कैसे है, उन लोगों का ना बिहेवियर बहुत अच्छा है। हाँ इंडियन भी अच्छे हैं, मेरे अपना देश तो सबसे पहले है, पर मैं बांग्लादेशी का बात भी बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बिहेवियर है, मतलब दिल से आपको वेलकम करेंगे। तो बांग्लादेशी एसोसिएशन का पूजा छोटा करके होते हैं क्योंकि वो लोग चंदा नहीं लेते हैं, तो जो स्कूल पे उन लोगों ने भाड़ा लिए थे उस स्कूल भी, इस बार का बांग्लादेशी एसोसिएशन का पूजा ऑर्लैंडो का कैंसिल हो गया क्योंकि वो स्कूल जो रेस्क्यू करके लोगों को शेल्टर देने के लिए गवर्नमेंट से यूज़ होगा, तो उस स्कूल ने बोल दिया लास्ट मोमेंट पे कि इवेंट इज़ कैंसल्ड, उस स्कूल को नहीं दे सकते हैं, स्कूल का जो एसोसिएशन है या गवर्नमेंट से नहीं दे सकते। तो इंडियन एसोसिएशन था, और ये वीक पे 7th, 8th, 9th अक्टूबर पे हमारा ऑर्लैंडो का पूजा है, तो मैं तो नहीं जा सकती, मेरे घर पे तो लक्ष्मी पूजा है, इसीलिए हस्बैंड आ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे आके एक लेडी है वो बीमार हो गए, तो हम लोग जो चंदा रखे थे वहाँ से, मैंने बोला हस्बैंड को फेसबुक पे देख के, वो आईटी पे काम करती है, यहाँ का बीमारी मतलब हॉस्पिटलाइज, बहुत दिनों से वो हॉस्पिटलाइज है, आई होप कि वो ठीक हो जाए। और यंग, बहुत यंग गर्ल हस्बैंड के साथ आई है, आके बीमार पड़ गई, तो वहाँ पे फंड रेज हो रहा था $1,00,000 का, अभी तक वो लोग $15,000 ही इकट्ठा कर पाए, तो हमारा चंदा से भी हस्बैंड ने दिया है वहाँ पे। तो ये अच्छा काम किया हम लोगों ने, एक मिनट, ये बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने, मैं सोचती हूँ मेरे मन को बहुत शांति भी मिला, और मेरे हस्बैंड को एक बार बोलने से ही उन्होंने दे दिया, पेपल से पे कर सकते हो, पेपल इज़ वेरी सेफ। तो उनका फंड रेज हो रहा है, तो दुर्गा पूजा के बीच में ऐसे कोई हॉस्पिटलाइज है, फंड रेज हो रहा है, उसमें पैसा देना ठीक है, एक बार बंगाली एसोसिएशन पे नहीं जा पाए, मेरा ही तबीयत परमिट नहीं किया, एक बार फंक्शन नहीं देख पाए कोलकाता का आर्टिस्ट का, सबके साथ मज़ा नहीं कर पाए, खा नहीं पाए, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार अच्छा करके खुशी मनाएंगे। और इस बार आयन के वजह से मैं गोल्ड ज्वेलरी भी नहीं पहन पाई, तो ये सब घर पे था, इविटेशन ज्वेलरी उससे ही काम चला रही हूँ, इंडिया से गोल्ड ज्वेलरी लेके आई थी, बैंक पे ही रह गया क्योंकि बैंक भी बंद, बैंक का भी पावर कट है। और 9th अक्टूबर नेक्स्ट मतलब कमिंग संडे को मेरे घर पे लक्ष्मी पूजा भी है, तो बहुत सारा दोस्त आने वाला है, उस वो सोच के मैं अभी खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो कल से मेरा घर को फिर क्लीन करना, अरेंज करना, फिर भोग का मेनू प्लान करना,
लक्ष्मी माता का पीछे का जगह डेकोरेट करना, ये सब पे कल से काम पे लग जाऊंगी। तो चलिए अभी कैसलबेरी टेम्पल पे चलते हैं, वहाँ पे अंदर ना वीडियो करने नहीं देते हैं, तो बाहर से टेम्पल दिखा देंगे आप।